बजरंगढ़ रोड स्थित नवोदय विद्यालय के पीछे बसाई गई बस्ती में रहने वाले लोग भारी जल संकट की विभीषिका से जूझ रहे हैं। यहां पूर्व में एक हैंडपंप लगाया गया था, लेकिन इस पर भी भारी भीड़ उमड़ने से लोग गर्मी में जरूरत के हिसाब से पानी की पूर्ति नहीं कर पा रहे। मंगलवार को इस बस्ती की एक दर्जन से अधिक महिलाएं कलेक्टर के पास बिजली पानी की गुहार लगाने पहुंची। बहरहाल इस मामले में महिलाओं को कलेक्टर ने जल्दी समस्या दूर करने का भरोसा दिलाया है। क्या समस्या लेके आए आप? लाइट की लाइन है, नल भी लगवाया तो नल भी ऐसा लगवाया कि चार लोग पानी नहीं भर पाते। किसने लगवाया था? यहीं किया था जन सुनवाई में, तो यहाँ से अब कोई ने भी लगवाया, अधिकारी ने लगवाया यहाँ से, तो वो भी ऐसा काम करवाया, आधा दूर काम करवाया। आज चार लोग भर ले तो चार लोग भर नहीं पा रहे। एक नल लगा पूरे गांव में? एक ही लगा है। कितने लोगों की बस्ती है? कम से कम 40। हाँ, घर तो कुछ लोग आ गए, मतलब 20-25 घर ज़्यादा है वहाँ पे अभी। कौन सी बस्ती? ये नवोदय विद्यालय के पास में है, मतलब उसके पीछे। नवोदय विद्यालय के पास? हाँ, पीछे। और तो आपका मतलब वो हेडपंप के बाद भी समस्या आ रही है? अब लाइट तो वैसे है ही नहीं वहाँ पे। और दूसरी बात, नल लगाया तो ऐसा लगाया कि चार लोग भर ले तो चार लोग फिर चार घंटा बाद भर पाते हैं पानी, तो ऐसा थोड़ी होता है। अब हम पानी पीने के लिए भरेंगे, नहाएं धोएंगे भी तो सही, कितनी परेशानी आती है इसके मारे हम बहुत परेशान हैं ना। तो आधा काम ये हो पा रहा है, हुआ तो ये भी आधा अधूरा काम करा है इसके लाने भी हम आए थे। तो अभी कलेक्टर साहब क्या आश्वासन दिया आपको? ये कलेक्टर साहब बोल रहे हो जाएगा आप।